प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य विज्ञान भवने प्रथमस्य अखिल भारतीय जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रम संबोधयिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने सर्वविध प्रभागेषु एकरूपतां समन्वयनं च स्थापयितुं विचार विमर्शः विधास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने परांतर्जालीय माध्यमेन उज्ज्वलं भारतं उज्ज्वलं भविष्यं ऊर्जा एट 2047 इत्येतस्य समापन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। कार्यक्रमांतर्गतं प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्रे योजनायाः शुभारंभं विधास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यमुना सह चर्चां कृतवान्। एषा चर्चा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये संयुक्त राष्ट्र मिशन इत्येतत् अभिलक्ष्य विहितस्य आक्रमणस्योपरि केन्द्रिता आसीत्। उच्च गति प्रविधि युताभ्य संचार सेवाभ्य प्रकल्पितस्य 5G इत्येतस्य विक्रय प्रक्रिया प्रचाल्यते। एषा विक्रय प्रक्रिया सततं पंचमे दिवसे अपि प्रचालयिष्यते। अपि च क्रीडावार्तासु पञ्चस्पर्धात्मिकायाः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन वेस्टइंडीज दलं 68 धावनांकैः पराजितम्। अपि च बर्मिंघम इत्यत्र समायोज्यमानस्य राष्ट्रमंडल क्रीडाकुंभस्य प्रथमे दिवसे भारतीय क्रीडकानां भद्रतरं प्रदर्शनम्। भारतं मिश्रित दलीय स्पर्धासु 5 समूह क्रीडा विजित्य पाकिस्तान देशात् अग्रेसरत्वं भजते। महिला हॉकी क्रीडा स्पर्धा मालिकायां भारतेन घनादलं 5-0 इत्यंतरालेन पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य विज्ञान भवने प्रथमस्य अखिल भारतीय जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन जनपद विधिक सेवा प्राधिकरणस्य प्रथमं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय स्तरीयं सम्मेलनं समायोज्यते। एतस्मिन् सम्मेलने सर्वविध प्रभागेषु एकरूपतां समन्वयनं च स्थापयितुं विचार विमर्शो विधास्यते। देशे समेत्य प्रायशः 700 जनपद विधिक सेवा प्राधिकरणानि स्थापितानि। एतेषां प्राधिकरणानां नेतृत्वं जनपद न्यायाधीशैः विधीयते, ये अध्यक्षत्वेन कार्यं सम्पादयन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने परांतर्जालीय माध्यमेन उज्ज्वलं भारतं उज्ज्वलं भविष्यं ऊर्जा एट 2047 इत्येतस्य समापन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। कार्यक्रमांतर्गतं प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्रे योजनायाः शुभारंभं विधास्यति। ऊर्जा परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। अथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ऊर्जा पटलस्य अपि शुभारंभं करिष्यति। ऐतिहासिक पदक्षेपांतर्गतं प्रधानमंत्री विद्युत मंत्रालयस्य प्रमुख कार्यक्रमस्य पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजनायाः शुभारंभम् अपि विधास्यति। यस्य उद्देश्यं वित्तीय विभागानां परिचालन क्षमतायां वित्तीय स्थैर्य परिष्कार वर्तते। कार्यक्रमान्तर्गतं प्रधानमंत्री 250 कोटि मितात्मिकानां विभिन्नानां परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च विधास्यति। ध्येयम् इदं यत् स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतं उज्ज्वलं भारतं उज्ज्वलं भविष्यं ऊर्जा एट 2047 इत्येतस्य समायोजनं विधीयते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यमुना सह चर्चां कृतवान्। एषा चर्चा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये संयुक्त राष्ट्र मिशन इत्येतत् अभिलक्ष्य विहितस्य आक्रमणस्य उपरि केन्द्रिता आसीत्। एतस्मिन् आक्रमणे सीमसुरक्षा बलस्य 2 वीरभटौ हुतिंगतौ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ट्वीट माध्यमेन एतस्मिन् प्रकरणे त्वरित अन्वेषणस्य आग्रहं कृतवान्। उच्च गति प्रविधि युताभ्यः संचार सेवाभ्यः प्रकल्पितस्य 5G इत्येतस्य विक्रय प्रक्रिया प्रचाल्यते। एषा विक्रय प्रक्रिया सततं पंचमे दिवसे अपि प्रचालयिष्यते। उद्योगपतेः मुकेश अंबानी इत्यस्य रिलायंस जियो
सुनील भारती मित्तलस्य भारती एयरटेल इति, गौतम अडानी इत्यस्य अभिकरणेन सह वोडाफोन आइडिया इत्येते अभिकरणे अपि एतस्यां विक्रय प्रक्रियायां भागं भजन्ति। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानस्य अंतर्गतं सांप्रतं यावत् 10.91 अधिक 3 अधिक 200 कोटि संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानस्य 60-उत्तर-500 तमे दिवसे 29 लक्षाधिक मितानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। ध्येयमिदं यत् सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानं देशे जनानां कोविड संक्रमणात् सुरक्षायाः महत्वपूर्ण माध्यमम् अस्ति, एवञ्च एतस्य अनवरत रूपेण समीक्षां निरीक्षणं च विधीयते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गांधीनगरे गिफ्ट सिटी इत्यत्र यात्रां कृतवान्। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नामना प्रसिद्धम् एतन्नगरं न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्ण विश्वस्य वित्तीय प्रविधि सेवाभ्यः एकीकृत केंद्र रूपेण परिकल्पितः। प्रधानमंत्री मोदी भारते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रेषु वित्तीयोत्पादानां वित्तीय सेवानां वित्तीय संस्थानानां विकासाय विनियमनाय च एकीकृतस्य नियामकस्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणस्य मुख्यालय भवनस्य आधारशिलां स्थापितवान्। प्रधानमंत्री इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इति नामधेयं भारतस्य प्रथमस्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानस्य शुभारंभमपि कृतवान्। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई नगरे प्रतिष्ठित अन्ना विश्वविद्यालयस्य 42वें दीक्षांत समारोहे भागम अभजत। कार्यक्रमावधौ असौ 71 स्वर्ण पदक विजेतृभ्यः स्वर्ण पदकानि प्रमाणपत्राणि च प्रदत्तवान्। ध्येयम् इदं यत् अन्ना विश्वविद्यालयस्य स्थापना विगत शताब्दस्य 78वें वर्षे सेप्टेम्बर मासस्य 4th दिनांके अभवत्। अस्य विश्वविद्यालयस्य नाम तमिलनाडु राज्यस्य पूर्व मुख्यमंत्रिणं सीएन अन्नादुरई इत्येतम् अधिकृत्य प्रकल्पितम्। कार्यक्रमं संबोधयता प्रधानमंत्रिणा उक्तं यत् युवजनाः देशस्य विकास प्रतीकाः सन्ति, अखिलेपि विश्वे भारतस्य युवजनाः आशादृष्ट्या दरीदृश्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग क्षेत्रे नवोन्मेष क्षेत्रे च देशे या प्रगतिः संजाता तस्याः अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् देशेन संकटानि अवसर रूपेण कल्पितानि। अत्रावसरे प्रधानमंत्रिणा इदमपि उक्तं यत् प्रविधि योगे देशस्य पक्षे त्रीणि महत्वपूर्ण कारकाणि सन्ति। निर्धनात् अपि निर्धन जनः एतां प्रविधिं स्वीकरोति तथा च संकट सम्मुखी कर्तृषु उत्साह वरिवर्धितः। उज्बेकिस्तानस्य राजधान्यां ताशकंद इत्यत्र संघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमंत्रिणां सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलने एतस्मिन् नैकेषु वैश्विकेषु क्षेत्रीयेषु च प्रकरणेषु चर्चा जाता। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः भारतस्य प्रतिनिधित्वं कृतवान्। असौ युक्रेन युद्धे अथ कोविड महामार्या समुपन्नम् ऊर्जा संकटं खाद्य संकटं च अभिलक्ष्य चर्चां विहितवान्। स्वीय संबोधने विदेशमंत्री प्रख्यापितवान् यत् आतंकवादं विरुद्ध्य शून्य सहन शक्ति भावना आवश्यकी वर्तते। पञ्चस्पर्धात्मिकायाः 20-प्रतिविंशति क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन वेस्टइंडीज दलं 68 धावनांकैः पराजितम्। भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता 91-100 धावनांकाः समर्जिताः।
प्रत्युत्तरे वेस्टइंडीज दलेन अष्ट क्रीडक हानि पुरस्सरं 22.100 धावनांकाः एव समर्जिताः। भारतीय दलनायकः रोहित शर्मा सर्वाधिकान् 64 धावनांकान् समर्जितवान्। श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा सोमवासरे क्रीडिष्यते। बर्मिंघम इत्यत्र समायोज्यमानस्य राष्ट्रमंडल क्रीडाकुंभस्य प्रथमे दिवसे भारतीय क्रीडकानां उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। भारतं मिश्रित दलीय स्पर्धासु पंच समूह क्रीडा विजित्य पाकिस्तान देशात् अग्रेसरत्वं भजते। महिला हॉकी क्रीडा स्पर्धा मालिकायां भारतेन घना दलं 5-0 इत्यंतरालेन पराजितम्। भारतेन बैडमिंटन क्रीडायाः ग्रुप ए इत्येतस्य वर्गस्य प्रथमे द्वन्द्वे पाकिस्तान दलं 5-0 इत्यंतरालेन पराजितम्। प्रथमं समायोजितायां मिश्रित युगल क्रीडायां बी सुमित रेड्डी अश्विन पोनप्पा इत्येतयोः युगल दलं पाकिस्तानस्य युगल दलं 21-9, 21-12 इत्यंतरालेन पराजितवत्। पुरुष एकल क्रीडायां किदांबी श्रीकांतः मुराद अली इत्येतम् 21-7, 21-12 इत्यंतरालेन पराजितवान्। पीवी सिंधुः माहुर सहजात इत्येतां पराजितवती। सात्विक साईराज चिराग शेट्टी इत्यनयोः मिश्रित युगलं विजितम्। महिला युगल द्वंद्वे त्रिसा जौली गायत्री गोपीचंद इति युगल दलं विजितम्। प्रियाः दर्शकाः, ज्ञान विज्ञान संवलितस्य विविध प्रविधि युतस्य वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 भविष्यति। कार्यक्रमस्य एतस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भविता। यदस्मदीयम् तत्परेषाम्। ब्रह्म एक एव तो कथम विभाजनम् न भवितुं शक्यते। से मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर। अवश्यं मिलामः शनिवासरे सायं 6:00। पश्यन्तु पुनरपि रविवासरे प्रातः 7:30 वार्तावलीम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।